18 जुलाई को केंद्र सरकार द्वारा घोषित मेगा पौधारोपण कार्यक्रम के तहत सोमवार को प्रशासन एवं विभिन्न संगठनों द्वारा वृहद तौर पर पौधारोपण कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया। 18 जुलाई को केंद्र सरकार द्वारा घोषित वृहद पौधारोपण कार्यक्रम के तहत घोड़ा बांधा स्थित थीम पार्क में उपायुक्त व तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों की मौजूदगी में रिकॉर्ड 25,000 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में DDC, SDO, SSP समेत वन विभाग के पदाधिकारियों ने भी शिरकत की। इस योजना के तहत पूरे जिले में चयनित स्थानों पर 1,00,000 पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। घंटे का सघन वनरोपण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 1,00,000 से अधिक प्लांट को जो है वो लगाने का लक्ष्य रखा गया। उसी को लेकर के सभी जिला प्रशासन, माननीय जनप्रतिनिधिगण एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से और खास करके स्कूली बच्चों को जो है वो इसमें शामिल करके इस अभियान में जुड़े हुए हैं और पूरे पूर्वी सिंहभूम के हर पंचायत स्तर पर यह कार्यक्रम जो है बुलाया गया। व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करना पौधारोपण कार्यक्रम में, ये इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। ये जो पौधा लगेगा उसको बचाने के लिए क्या आप देख रहे हैं कि जो भी क्लोज प्रीमाइसेस और खास करके जो है वो वैसे जगहों पर प्लांटेशन किया जा रहा है जहाँ पर उनकी प्रॉपर तरीके से देखभाल की जा सके। देखिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो है, पर्यावरण का संरक्षण हम लोगों का मूलभूत कर्तव्य है और इसी कर्तव्य के तहत जो हरियाली अभियान चला जा रहा है, उसी अभियान के तहत आज हम लोग 1 घंटे में 1,00,000 वृक्षारोपण का अभियान चला रहे हैं। उसी के तहत यहाँ घोड़ा बांधा थीम पार्क में 25,000 पौधों का वृक्षारोपण 1,500 वॉलंटियर्स की मदद से किया जा रहा है। तो ये डेफिनेटली एक सराहनीय कदम है पर्यावरण संरक्षण के रूप में, और जिस तरीके से कदम अगर उठाया जाएगा तो जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन, पर्यावरण के प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है, वो समस्या का काफी हद तक निदान पाया जा सकता है। तो बचाने के लिए, लगाने के बाद बचाने के लिए किस तरह से? बिल्कुल, यहाँ पे जो है करीब 300 मजदूर इसके प्रोटेक्शन के लिए अवेलेबल हैं और अवेलेबल रहेंगे। तो ये सारे का प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने ख्याल रखा हुआ है कि जो पौधे लग रहे हैं उसे लगे नहीं बल्कि उसके बाद वो जीवित रहे। तो 300 मजदूरों के साथ इनका संरक्षण जो है वो देखा जाएगा। अगर चाहिए शुद्ध हवा तो मिलकर पेड़ लगाओ, बात पते की खुद समझो और सबको लगा गए अपने अपने लेन में लगाते रहे। अपने अपेक्षी व्यक्ति को आप सहयोग भी करें, बल्कि पूरे झारखंड राज्य के लिए ऐतिहासिक अवसर। जब अपेक्षा है कि आप गति को बनाए रखिए। सर आइए, सर आइए, बीच से आइए ना सर। वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर स्कूली वाहन सेवा संचालक समिति द्वारा धतकीडी सामुदायिक केंद्र परिसर में पौधारोपण किया गया। वहीं पौधारोपण का एक बृहद कार्यक्रम था, उसमें हम लोग शामिल हुए। DC साहब के कथनानुसार कि आप लोग भी शामिल हो जाइए, उसी दिन 18 तारीख को जो पौधारोपण प्रोग्राम हो रहा है उसमें स्कूली वाहन, जमशेदपुर स्कूली वाहन सेवा संचालन समिति जो है वो शामिल होकर के पूर्ण सहयोग पर्यावरण के लिए करने को तैयार है। हम लोग समाज और यहाँ के जो बस्ती निवासी हैं उनका भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। तारापुर स्कूल की छात्राओं ने भी कार्यक्रम में भाग लेते हुए गोल्फ ग्राउंड में पौधारोपण किया। फोटो भी ले रहे हैं। First by DC that we had to plant 1,000 trees in 1 hour and we did that. We are from J.S. Tarpur School and we are representing it. The drive by the local government and we have to plant 1,00,000 tree in Jamshedpur. So we have decided to plant 1,000 trees in Beldi Golf Course with the help of Land and Market employees and the Children's of J.S. Tarapur Girls High School. So we are very much happy that we have planted. Hip hip! Hooray! सन 1974 में छात्र आंदोलन के दौरान शहीद हुए 3 छात्रों को उनकी शहादत दिवस पर JP स्मारक समिति के सदस्यों ने श्रद्धांजलि दी।
1974 को छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस की गोली से शहीद हुए प्रणव मुखर्जी, राजीव रंजन और मोहम्मद मुकीम को उनकी शहादत दिवस के मौके पर जेपी स्मारक समिति द्वारा याद किया गया एवं श्रद्धांजलि दी गई। समिति के अध्यक्ष संजीव आचार्य ने कहा कि जिला प्रशासन से शहीदों के लिए स्मारक बनाने की मांग की गई है और अगले वर्ष स्मारक में ही श्रद्धांजलि दी जाएगी। अमर शहीद अमर रहे, जब तक पूरा चांद रहेगा जेपी तेरा नाम रहेगा, जब तक पूरा चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा, मुखर्जी अमर रहे। 74 के छात्र आंदोलन में जमशेदपुर के तीन क्रांतिकारी छात्री प्रणव मुखर्जी, राजीव रंजन और मोहम्मद मुसीम इसी स्थल पर शहादत हुए थे। तब से लेकर आज तक हर एक वर्ष तीन क्रांतिकारी छात्रों की यादत में हम लोग शहीद दिवस आज के दिन मनाते आ रहे हैं। आज बहुत दुख की बात है, जिन लोग छात्र आंदोलन से आज सत्ता के सुख प्राप्त कर रहे हैं, जमशेदपुर के पूर्वी और पश्चिमी के विधायक आज के डेट में मुख्यमंत्री है, उन लोगों के पास 2 मिनट समय नहीं है कि शहीद दिवस पर इन तीन क्रांतिकारी छात्रों को आके श्रद्धांजलि दे। हम लोग आज के दिन संकल्प रूप ले रहे हैं और आने वाले 2 महीने के अंदर इस शहीद स्थल पर तीन छात्रों की स्मारक सहित जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति स्थापना करेंगे। अगला शहादत हम लोग जयप्रकाश जी की मूर्ति के नीचे शहीद छात्रों को श्रद्धांजलि देंगे। तब तक इन छात्रों की सच्ची श्रद्धांजलि नहीं मिल जाएगी जब तक यहाँ के जिला प्रशासन और इनकी सरकार के द्वारा शहीद छात्रों का स्मारक नहीं। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। जिले में राशन कार्ड वितरण मंगलवार से आरंभ होगा। मंत्री सरयू राय ने कहा कि राज्य में 22 जिलों में राशन कार्ड निर्माण का टारगेट पूरा कर लिया गया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा कि राशन कार्ड निर्माण का टारगेट पूरा कर लिया गया है। गोड्डा और गिरिडीह को छोड़कर पूरे 22 जिलों में काम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि कुल 2,59,41,238 परिवारों के बीच राशन कार्ड वितरण का काम मंगलवार से आरंभ होगा। लग जाएंगे उस मशीनों के माध्यम से हम राशन कार्ड बांटेंगे, तो इसका प्रत्यक्ष प्रशिक्षण सभी जिलाधिकारियों को और सभी को हमने 23 तारीख को, शनिवार का दिन है, 23 जुलाई को वहाँ बुलाया है रांची में। दोपहर के बाद से 2-3 घंटे का भोजन शुरू होगा, तो सब लोगों ने इन्हें सहयोग किया है और अब आम लोगों से भी उम्मीद हम लोगों की है कि वो इसमें सहयोग करेंगे। और सहयोग करना मतलब कि अपना हक लेने के लिए वो खड़ा हो, हमको जितना अनाज मिलना है वो अनाज हम उम्मीदें इसके लिए खड़ा हो। भुयाडी में आपसी मारपीट की घटना में 2 युवक घायल हो गए हैं, उनका इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। भुयाडी स्थित छाया नगर में आपसी विवाद में हुई मारपीट की घटना में सौरभ नामक युवक ने पीटकर राहुल और विशाल नामक 2 युवकों को घायल कर दिया। दोनों का इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। पहले का झगड़ा था, सौरभ का था, ताजिल बाग का चमचा है ना जो दारू भट्टी देखता है, उसी का था, तो उसका पीछे था बार कर। कौन लड़का था ना? और सौरभ है। वहीं दूसरी ओर बर्मा माइंस में केरला पब्लिक स्कूल के पास एक 407 वाहन की चपेट में आकर डाला टेम्पो पर सवार परसुडी निवासी पंचानंद घोष और अनुराग घोष घायल हो गए हैं। उन्हें भी इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अच्छा, क्या हुआ था, कहाँ जा रहे थे? वो जा रहे थे पानी लेके आ रहे थे, वो पानी लाते हैं परसुडी में, अच्छा। किनारे से जा रहे थे, वो जो 407 वाला पहले भी ऑटो वाला को ठोका, उसके बाद उसको भी ठोक के फिर आगे बढ़े। की गाड़ी में थे? एक ही गाड़ी में। बागबेड़ा विकास समिति द्वारा उपायुक्त के माध्यम से CM को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके तहत 11 बस्तियों को नियमित करने की मांग की गई है। बागबेड़ा विकास समिति के तत्वावधान में आज हम लोग उपायुक्त महोदय के नाम से माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को एक मांग पत्र दे रहे हैं। इस मांग पत्र में हमने अंकित किया है कि बागबेड़ा क्षेत्र के 11 बस्तियों को नियमित किया जाए। वर्तमान सरकार से विगत 2 वर्षों से लगातार हमारी समिति यह मांग करते आ रही है और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हमारा यह हम लोगों का ये चरणबद्ध आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से इसी तरह से जारी रहेगा। वहीं दूसरी ओर कोऑपरेटिव कॉलेज में आदिवासी हॉस्टल में पुलिस द्वारा छापामारी और दुर्व्यवहार की शिकायत लेकर NSUI ने SSP का दरवाजा खटखटाया है।
तारीख को जो कॉलेज में घटना हुई खींच के रखा, उसके दरमियान पुलिस प्रशासन जो है ना एक तरफा कार्रवाई कर रही है। जैसे कि हम देखे कि 15 तारीख रात में आके 1:30 बजे करीब पूरा हॉस्टल का बच्चे को जो आदिवासी छात्र रहते हैं उनको परेशान किया गया, उनका बॉक्स तोड़ा गया, उनको शोषण किया गया, इसके बाद गाली गलौज की।